गुड इवनिंग दोस्तों, आज देखिए हम लोग अपने यहाँ ये रावसन से 5-7 किलोमीटर दूर पड़ता है इको पॉइंट। देखिए इको पॉइंट का वो दिख रहा होगा। हम लोग आज यहाँ पर रील बनाने आए थे, लेकिन पुष्पा जी आज बहुत उदास हैं। देखिए उदास होकर बैठी हुई हैं, क्योंकि इनका रील आज नहीं बन पाया है अच्छे से, और काफ़ी लेट लग गया और अंधेरा भी हो गया है। तो आप लोग देखिए यहाँ का जो वातावरण है, बहुत ही यहाँ भी बहुत स्वच्छ है। देखिए ये वाला जो पेड़ आप लोग देख पा रहे होंगे, यहीं भी पुष्पा जी एक दो ठो रील बनाई हुई हैं। और ये देखिए पुष्पा जी उदास होकर बैठी हैं। कुछ बोलिए अभी। हम उदास नहीं हैं। उदास। हेलो मॉर्निंग, गुड इवनिंग। मैं मेरा आज वीडियो अच्छे से नहीं बन पाया है, और मैं बनाई हूँ एक दो वीडियो, लेकिन अच्छा नहीं हो पाया है। और घर जाके देखेंगे, समय मिलेगा तो बनाएंगे, नहीं तो फिर नहीं बनाएंगे। जो है वही सो अपलोड कर देंगे वीडियो। और दोस्तों देखिए ये जो वातावरण है हमारे कश्मीर से कम नहीं है। आप लोग देख पा रहे होंगे कितना खूबसूरत नज़ारा है। शाम का यहाँ लगभग 6:30 से अधिक हो रहा है। अब अंधेरा होता जा रहा है। देखिए बाबू इधर देखो, बोल दो। देखो देखिए आप लोग, ये बाबू देखिए चट्टान पे घूम रहा है। इसको बोलता है मुझे चट्टान पे जाना है। और वो वाला बोल दीजिए, जॉनी यस पापा ईटिंग शू के नॉट पापा दैट दैट ओ पापा प्ले नाउ हा हा हा। और वो शक्ति वाला भी बोल दीजिए। नहीं बोल दीजिए, इतनी शक्ति हो मेरे दादा मन का विश्वास कमजोर हो ना। ये वाला भी बोल दीजिए, ये वाला ओम मुरवा वाला ओम मुरवा तब तू रोजे कौन बताया है आपको ये सब? मेरी मम्मी। आपकी मम्मी ये सब सिखाती हैं आपको? वाह बहुत अच्छी बात है। और बताइए अपने बारे में। आप देखिए आप लोग शाम का समय हो गया है काफी, और हम लोग देखिए थोड़ा सा ब्लॉग आज तो शूट नहीं अच्छे से हो पाया है, क्योंकि हम लोग सोचे थे कि जल्द ही इनका वीडियो जो रील है कंप्लीट हो जाएगा, और हम लोग फिर ब्लॉग इधर बनाएंगे थोड़ा अच्छे से घूम के। क्योंकि देखिए यहाँ आगे आप लोगों को एक वो दिख तो नहीं पा रहा होगा, यहाँ पे सामने एक बिरलोरिक पत्थर है, बहुत ही उसका लोग बताते हैं कि बहुत ही उसमें जो बिरलोरिक थे बहुत ही बलवान थे। वहाँ पर आप ले नहीं जा पाएंगे क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। और चलिए चलते हैं, आप लोगों को मिलाते हैं। कहा जाता है कि सबको खुश रखना जिंदा मेढकों के समान है, क्योंकि एक को रखिए तो दूसरा खुल जाता है। मेढक बहुत अच्छी आपने लाइन बोला है, मेढक वाली। और आगे बताइए। हंसते हुए बताइए। मेढक नहीं की नहीं बताएंगे। पंछी कभी भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले बनाकर नहीं देते, ये तो उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बताइएगा मेरा वीडियो कैसा है। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, धन्यवाद। और ये देखिए एलेक्स बहुत अच्छे से सुन रहा है, क्योंकि इन्होंने एक वर्ड बोला कि चिड़िया जब भी घोंसला बनाती है अपने बच्चों के लिए नहीं बनाती है। एलेक्स सुन लो, हम लोग आप जो भी कर रहे हैं आप अपने लिए आपको करना होगा, ठीक है। देखिए पीट रहा हम लोगों को। आप भी कुछ बोल दीजिए एलेक्स बाबू। सबको गुड इवनिंग बोल दीजिए। ऐसे नहीं, ऐसे हाथ जोड़ के बोल। और वो वाला बता दीजिए, कौन सा एक बता रहे थे आप? कौन सा एक? जॉनी लसना दिए ना। जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा नहीं। एक कौवा प्यासा था। एक कौवा प्यासा वाला बता दीजिए। एक कौवा प्यासा था, इधर उधर बता के दूर से करा देखा क्या पहुंचा तक। बैठ के बैठ के पानी थोड़ा अच्छे से बोलिए, बैठ जाइए। बहुत प्यासा कौवा तालाब कंकर पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, कटोरी कहानी खत्म हो गया कौवा वाला। और कौन सा आपको आता है? एलेक्स मैं एक ही दिन में नहीं बताऊंगा, एक ही दिन में पूरा नहीं बताएंगे, मैं नेक्स्ट दिन बताऊंगा। बोल दीजिए दोस्तों, दिन में बताऊंगा।